वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेम्पिक्स में। और फ्रेंड्स, जीके के ऊपर आज हमारी ये सेकेंड क्लास है और जीके है फटाफट अंदाज में। ओके, तो डेली 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाइए और मधु यादव मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए जीके बिल्कुल फटाफट। और इस बार जीके का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन संभव हैं, पॉसिबल है, वो सारे हम एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, तो सेकंड चैप्टर है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी। बता दीजिए कहाँ थी बाबर के वंशजों की राजधानी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समरकंद में बाबर के वंशजों की राजधानी थी। सेकंड क्वेश्चन है कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया। हिस्ट्री जिसने पढ़ ली होगी अभी तक तो उसको बिल्कुल इजी होगा ये अटेम्प्ट करने में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल किसके वंश से संबंधित थे। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए बिल्कुल एक्टिव होके एनर्जी के साथ। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे मुगल वंश के लोग। ठीक, नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि को लिया था। ओके, नेक्स्ट है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। बता दीजिए, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए इसका। और देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताइए भाई कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। बताइए कहाँ का शासक था मुगल वंश की नींव रखने से पहले। सो फरगाना का शासन था बाबर, और यहाँ पर फरगाना के बाद वो चला जाता है मुगल वंश का संस्थापक ये बन जाता है। ओके, तो फरगाना के बाद वो मुगल वंश का संस्थापक बन जाता है। नेक्स्ट है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, और कईयों ने इसका आंसर भी देख लिया होगा, बाय मिस्टेक मेरे से क्लिक हो गया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का पूरा नाम था। और ये ना एकदम वन लाइनर है, फटाफट इसको कर लेते हैं ताकि एग्जाम्स आने से पहले हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर ले। ओके, सो नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म कब हुआ। बता दीजिए बाबर का जन्म कब हुआ। बाबर का जन्म हुआ 24 फरवरी 1483 में। कब? 24 फरवरी 1483 में। ओके, नेक्स्ट है कि बाबर भारत पर हमला, पहला आक्रमण किसे, किसके विरुद्ध करता है। ठीक, बाबर ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, किसके विरुद्ध था। ओके, तो बता दीजिए भाई। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है कि यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 में बाबर ने इंडिया पर फर्स्ट आक्रमण किया था, और ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध
खिलाफ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो हमला है वो हुआ था 1526 में। ओके, 1526 के आक्रमण को इसका सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? बताइए, बाबर के पिता का, उसके फादर का क्या नाम था? बता दीजिए भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन, उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे, उसके फादर थे। नेक्स्ट है कि कुतली निगार खानम किसकी माता का नाम था? हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर? किसकी मदर का नाम था कुतुब निगार खानम? सो ये थी बाबर की मदर। बाबर की मदर का नाम था कुतुब निगार खानम। ओके, नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, या राणा सांगा और बाबर के बीच में, या मेदनी राय और बाबर के बीच में, या अफगानों और बाबर के बीच में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? सो राइट आंसर है ऑप्शन वन। ठीक, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था, बैटल जिसे कहते हैं, पानीपत बैटल। उसके बाद 14th क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी भाई? तो ये लड़ी गई थी 1526 में। कब? 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? सो ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी देने चाहिए आपको। मुगल ने, माफ कीजिए, मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने आफ्टर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। ओके, सो मुगल वंश का जो पहला संस्थापक है वो है बाबर। कौन है? बाबर। तो बाबर से रिलेटेड हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं, और ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम में पूछने क्वेश्चन फॉर्मेट सेम नहीं हो सकता है, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे चेंजेस होंगे, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ना पूरा देखिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी जरूर जरूर दीजिए। ठीक, थैंक यू, और मिलते हैं कल की क्लास में मॉर्निंग 9:30 बजे।